हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते आज की टॉप 10 न्यूज। अगर न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब और लोगों को ये आगे वीडियो रिकमेंड। आईटेक रिटेल्स अपने कस्टमर्स के लिए एक बार फिर लेके आए हैं एनुअल सेल धमाका, जहां आपको मिलेंगे किड्स वेयर, ब्रांडेड कुर्ती, फैंसी एसेसरीज और एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज अप टू 50% ऑफ। ये सेल 17 अगस्त से 31 अगस्त तक रहेगा। साथ ही फैंसी स्टेशनरी, वुमेन्स वेयर, प्रीमियम हैंडबैग्स, न्यूबॉर्न अपैरल और गिफ्टिंग आइटम्स। तो दोस्तों, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एक बार जरूर विजिट कीजिए आईटेक रिटेल्स एट चाविंद्रा भिवंडी। महाराष्ट्र के नासिक जिले के सिन्नर तालुका के शाह पंचाले गांव में एक धार्मिक आयोजन के दौरान रामगिरी महाराज ने प्रॉफेट मोहम्मद पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महाराष्ट्र के कई जिलों और शहरों में महाराज के खिलाफ प्रोटेस्ट और आंदोलन देखने को मिला। वहीं आज एडवोकेट अफरोज मोमिन और उनकी टीम ने भिवंडी डीसीपी ऑफिसर से मिले और रामगिरी महाराज के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर भिवंडी शहर में एकता की एक नई मिसाल देखने को मिली। आपको बता दें कि भिवंडी शहर के एडवोकेट जितेंद्र लास ने अपने काम से सैकड़ों मजबूर महिलाओं को इंसाफ दिलाया और उनका घर बसाया। उनके इस काम से खुश होकर सैकड़ों महिलाओं ने रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर एडवोकेट जितेंद्र लास ने को राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र के लिए उनके हक में दुआएं की। भिवंडी शहर के पद्मा नगर इलाके में पीड़िता सोनार पाढ़ा की एक बिल्डिंग में रहती है और शाम करीब 4:30 बजे आशीष टॉकीज के पास रहने वाला आरोपी अनिल नशे की हालत में पीड़िता के घर में घुस आया और महिला घर में अकेली थी, जिसका फायदा उठाने लगा। वहीं महिला ने अपने सेल्फ डिफेंस में आरोपी पर वार करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच हुई मारपीट में आरोपी के गुप्तांग पर चोट लगने से वो घायल हो गया और जख्मी हालत में घर से भाग गया। भिवंडी शहर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। भिवंडी शहर के अलग अलग इलाकों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लगाम लगाने के लिए पुलिस ने एक टीम का गठन किया था, जो अलग अलग मामलों की जांच करते हुए शांतिनगर के संजय नगर के रहने वाले चोरी की घटनाओं में शामिल बदमाश इकबाल को गिरफ्तार किया और उसके पास से 3,70,000 रुपए कीमत के 2 रिक्शा व 6 बाइक जब्त कर शांतिनगर पुलिस ने युवक के खिलाफ किया मामला दर्ज। AIMIM पार्टी लड़ेगी भिवंडी की ईस्ट और वेस्ट दोनों सीटों पर चुनाव। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के पहले ही कयास लगाया जा रहा था कि AIMIM पार्टी भिवंडी के दोनों सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जिसका खुलासा हो गया। लेकिन आपको बता दें कि आलाकमान की तरफ से फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। मीडिया से बात करते हुए भिवंडी लोकसभा अध्यक्ष और उम्मीदवार अकरम खान और भिवंडी लोकसभा संपर्क प्रमुख रहे कमर हाशमी ने जानकारी दी। भिवंडी शहर के नारपोली इलाके में 72 गला परिसर में स्थित एक इमारत की दूसरी मंजिल पर सो रहे 15 साल के किशन पटेल के शरीर पर अचानक प्लास्टर व स्लैब का एक हिस्सा गिरने से गंभीर रूप से वे घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की मां मकान मालिक से इमारत मरम्मत कराने की मांग कर रही थी, लेकिन मकान मालिक ने इसे अनदेखा कर दिया और इमारत की मरम्मत नहीं करवाई, जिससे एक मासूम की जान चली गई। पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है। मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर नितिन गडकरी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु के नेतृत्व में सिंधुदुर्ग के पत्रकारों को नेशनल हाईवे पर टोल बूथों पर टोल छूट मिलने की मांग की थी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने न केवल टोल छूट दी है, बल्कि किसी भी पत्रकारों की हाईवे पर किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसे 5 लाख का बीमा दिया जाएगा। कर्ज चुकाने के लिए युवक ने की बूढ़ी महिला की हत्या। ऑनलाइन रम्मी जुआर खेलने के कारण कर्ज में डूबे युवक ने कर्ज चुकाने के लिए भुईक्षेत्र गांव के आरिफ फार्म हाउस में रहने वाली बूढ़ी महिला का गला काट कर घर की सारी ज्वेलरी और पैसे लेकर युवक फरार हो गया था। इस मामले की शिकायत भिवंडी ग्रामीण पुलिस स्टेशन में कराई गई थी। पुलिस ने जांच करके 36 घंटे के भीतर ही थाने के एक लॉन्च से युवक को गिरफ्तार किया और उसके पास से पैसे और ज्वेलरी बरामद की।
शांतिनगर पुलिस ने आमपाड़ा कासिमपुरा कब्रिस्तान के पास जाफर अली यूसुफ शेख उर्फ शेरू के गाले पर छापा मारा, जहां पर कई महीनों से अवैध रूप से हुक्का पार्लर चलाया जा रहा था। इस छापेमारी में पुलिस ने 8,300 रुपए कीमत के हुक्का पार्ट्स, पाइप चिलम व विभिन्न प्रकार के तंबाकू हुक्का फ्लेवर जब्त किया। शांतिनगर पुलिस ने कुल 5 लोगों के खिलाफ तंबाकू उत्पादन अधिनियम 2003 के तहत मामला दर्ज कर रही है आगे की जाँच। आज सेंसेक्स 12 अंकों की गिरावट के साथ 80,424 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 31 अंकों की बढ़त के साथ 24,572 पर हुआ बंद। गोल्ड 71,555 पर ट्रेड करते हुए, सिल्वर 84,367 पर और क्रूड ऑयल 6,289 पर ट्रेड करते हुए।